हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीरियल टीवी बाय विनीता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप एक्ट्रेस सिमरन परिंजा के बारे में जानेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सिमरन परिंजा ने किन किन सीरियल्स और फिल्मों में काम किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिमरन ने साल 2015 में स्टार प्लस के सीरियल तू मेरा हीरो से टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा। इसमें उन्होंने एक सपोर्टिंग रोल किया था जिसमें इनके कैरेक्टर का नाम रजनी था। फिर साल 2015 में ही ये सीरियल भाग्यलक्ष्मी में एज अ मेन लीड रोल भूमि प्रजापति के कैरेक्टर में नजर आए। फिर साल 2016 में इन्होंने जी टीवी के सीरियल काला टीका में कली का कैरेक्टर प्ले किया। इस सीरियल में अपने कैरेक्टर के लिए सिमरन परिंजा 2 अवार्ड जीत चुके हैं। साल 2018 में इन्होंने तेलुगु फिल्म किर्रक पार्टी से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। इस फिल्म में ये एक्टर निखिल सिद्धार्थ के अपोजिट मीरा के रोल में थीं। इस फिल्म को डायरेक्टर सरन कोपिसेट्टी ने डायरेक्ट किया था। साल 2018 में ये एन टीवी के शो लाल इश्क के एक एपिसोड में नयन के किरदार में नजर आए। साल 2018 में ही ये तेलुगु फिल्म नुब्बा कड्डा नेनी कड्डा में नजर आए। फिर साल 2019 में सिमरन परिंजा सोनी टीवी के सीरियल इशारो इशारो में गुंजन के कैरेक्टर में नजर आए। और इसी साल 2021 में स्टार भारत पर आने वाले सीरियल लक्ष्मी घर आई में जल्द ही सिमरन परिंजा नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको सिमरन परिंजा का कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद आया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप किन्हीं और एक्टर के करियर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।